दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करें और पास में आ रहे बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कारगवाल आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जहां आप सीखते हैं फोटोशॉप प्योर हिंदी के अंदर। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आप देखने वाले हैं कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे घुमाएं और लिखें, मनचाहे आकार में किस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। जैसा आप यहाँ इस लोगो टाइप के ग्राफिक में देख रहे हैं, ग्राफिक्स गुरु, ये जो लिखा हुआ है ये घुमा के लिखा हुआ है, फिर ये लहराते हुए टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप किसी भी शेप के अंदर अपने टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं वो आप इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। चलिए देर ना करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले वो सर्कुलर जो शेप थी वो बनाएंगे। यहाँ से सर्कल मैंने सेलेक्ट किया है और ये एक सर्कल शेप मैंने यहाँ बनाई है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, तो ये एक शेप हमारी बनके रेडी हुई है। हम कंट्रोल जे करूँगा मैं अभी यहाँ पे, और कंट्रोल टी करके, यानी कंट्रोल जे से मैंने कॉपी किया है। यहाँ देख सकते हैं लेयर बन के आ गई है, और इसको मैं एक स्टेप थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये लीजिए, एक और सर्किल जो था वो छोटा हो गया, आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सेम कलर का है। अभी मैं इसके अंदर यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड वाला। तो हमारी एक तरह से ये रिंग बन के तैयार हो गई है, जिसके अंदर की घुमा के हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम मेन चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, ये टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है, वो मैं एक अलग वीडियो में पूरा बता चुका हूँ। ये पूरी टूल बार किस तरह से वर्क करती है, इसके लिए अभी जस्ट ऊपर देखिए आप, राइट कॉर्नर में एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस ट्यूटोरियल को भी देख सकेंगे। चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि टेक्स्ट लिखने, जब भी हम टेक्स्ट कुछ भी लिखते हैं तो वो हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं और लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको पाथ देने वाले हैं कि टेक्स्ट को बताने वाले हैं कि तूने किस चीज़ के ऊपर ऊपर चलना है, लिखना है। चलिए, तो ये जो अंदर वाला सर्कल है यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ अंदर वाले सर्कल पे, ये सिलेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स दिखा रहा है इसके। तो जैसे ही मैं ये टेक्स्ट वाला टूल यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो, और इसके ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक कर्सर चेंज हो रहा है। यहाँ बाहर ऐसा था और इसके बॉर्डर के ऊपर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, एक लहराती हुई एक लाइन जैसा कुछ डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। चलिए, तो यहाँ से आप ऊपर यहाँ सेटिंग में देखिए, यहाँ सेंटर में रखिए इसको, कैरेक्टर के अंदर आप जाके देखेंगे कि कुछ भी चेंज ना किया हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होती हैं ये जीरो होना चाहिए, 100% होना चाहिए, और ये भी जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ, ये जैसे ही आइकन आता है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये लिखने के लिए रेडी है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ग्राफिक्स गुरु। चलिए, तो ये मैंने मेरे चैनल का नाम लिख दिया है यहाँ पे, अब ये इस तरह से दिखाई देने लगा है। लेकिन अगर आप देखें तो इसको थोड़ा गैप चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उठा होना चाहिए ताकि यहाँ पे ये वाला गैप ऊपर वाला और नीचे ये दोनों गैप इक्वल रहें। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अभी देखिए दोस्तों, इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और कैरेक्टर पैलेट में जाके, कैरेक्टर पैलेट कहाँ से ओपन होता है, जब आपने टूल टेक्स्ट टूल वाला यहाँ पे आइकन सेलेक्ट किया हुआ है तो ऊपर एक आइकन आता है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप तो ये कैरेक्टर वाला एक पैलेट ओपन होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये जीरो जो दिखा रहा है इसको हम जैसे जैसे चेंज करेंगे वो चेंज होता है। देखिए, जैसे माइनस में लेके जा रहा हूँ ये नीचे आ रहा है, मैं प्लस में लेके जा रहा हूँ तो ये ऊपर आ रहा है। तो हम इसको एक अच्छा सा गैप दे सकते हैं दोस्तों, जो ऊपर इसका गैप है वो भी, वो और नीचे वाला गैप दोनों सेम हो, यानी कि जो ब्लू कलर की हमारी एक जो स्ट्रिप बन के आ रही है, सर्कल बन के आ रहा है, उसके बीचों बीच ये टेक्स्ट हो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये मैं वैल्यू याद रख लेता हूँ 21, क्यों याद रखी है वो अभी आपको आगे मैं बताता हूँ। चलिए, तो अब नीचे भी मैं कुछ लिखने वाला हूँ, तो अगेन वही सर्कल मैं लेयर पैलेट में जाके या डायरेक्ट क्लिक करके वो सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर ऊपर इसको लिखना है, और फिर मैं अगेन टेक्स्ट टूल यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ बीच में ला के मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये इसके ऊपर ऊपर लिख सकेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, मैंने ये लिख दिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ सामने दिखाई दे रही है कि ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी इसको यहाँ से जहाँ L है वहाँ से Y से स्टार्ट होना चाहिए था YouTube चैनल, ताकि मैं इजिली इसको रीड कर सकूँ, तो ये उल्टा है। तो इसको सीधा करने का तरीका दोस्तों यहाँ पे है, आप यहाँ ये जो एरो दिखाई दे रही है, ये टूल जो है ये A प्रेस करने से भी एक्टिवेट हो जाता है। इसको क्लिक करके आप जब इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ आपको कर्सर दिखेगा जिस पर दोनों तरफ एरो बनी हुई हैं। दोस्तों इस टूल के अपीयर होने के बाद, इस आइकन के अपीयर आ जाने के बाद, आप यहाँ पे क्लिक करके और
इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ऊपर लेके गए, ड्रैग करना है आपने, जैसे ही ड्रैग करके ऊपर लेके गए आप, ये सारा टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको घुमा के किधर भी ले जा सकते हैं, बट आपको इसको सेंटर में ही रखना है। चलिए, अब प्रॉब्लम एक तो सॉल्व होगी कि ये ऊपर आ गया, लेकिन ये गलत जगह पे आ गया है और ये दिख भी नहीं रहा है कि लिखा हुआ क्या है, ये बिल्कुल पास पास आ गए हैं दोस्तों। चलिए फिर मैं अगेन ये यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ, इसको पूरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये कैरेक्टर पैलेट में अगेन आ गया मैं, और यहाँ से इसको जो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि ये 21 जो वैल्यू है ये यहाँ पे है, ये याद रखने के लिए, इसलिए मैंने बोला था वैल्यू याद रखने के लिए नहीं, बट ये वाला ऑप्शन याद रखने के लिए। तो आप जैसे ही इसको देखो माइनस में लेके जाते हैं तो ये टेक्स्ट भी नीचे जा रहा है, यानी पहले हमने ए प्रेस करके एरो टूल जो था वो एक्टिवेट किया था, उससे हमने ड्रैग करके ऊपर किया इसे, और अब इसे नीचे मैं नेगेटिव में ले जाके अब इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। तो पहले इसको सीधा किया था जिससे कि ये ऊपर चला गया, और अब इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। दोस्तों अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा थोड़ा बैक करके आप फिर से ये स्टेप्स देख सकते हैं कि ये किस तरह से हुआ है। चलिए, तो ये मेरा एक घुमावदार टेक्स्ट मैंने लिख दिया है एक लोगो टाइप की शेप के अंदर। चलिए तो नेक्स्ट काम क्या करते हैं, अभी मुझे यहाँ पे गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इन केस अगर हमें लगता है कि ये गैप बढ़ाना है या कुछ भी करना है, तो देखिए दोस्तों सिंपल सा फंडा है जो हम नॉर्मल टेक्स्ट में करते हैं। इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए आप, और या तो आप फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ से गैप बढ़ा दीजिए। ये गैप होता है अल्फ़ाबेट्स के बीच का गैप, ये मैंने यहाँ से 50 कर दिया है या 90 कर दिया है, चलिए 90 कर दिया है मैंने इसको। अब मैं अगेन नीचे वाले टेक्स्ट में भी जाऊंगा। दोस्तों दोनों तरफ दोनों टेक्स्ट के अंदर इक्वल गैप होना चाहिए, नहीं तो ये अजीब दिखेगा। तो यहाँ मैं इसको भी 90 दे देता हूँ, एकदम से ये उस गैप के इक्वल हो गया, जो ऊपर ग्राफिक गुरु के अल्फ़ाबेट्स के अंदर गैप था वो सेम हो गया। अब बीच में थोड़ा सा स्पेस बचा, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ भी शेप लगाई जा सकती है, जैसे मोस्टली इस तरह के ग्राफिक्स के अंदर लोगोज के अंदर एक स्टार लगा होता है। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं, मैं इसमें कुछ भी यूज़ करके लगा सकता हूँ। मुझे स्टार को देखना होगा, स्टार कहाँ पे है इसमें। ओके, स्टार, ये रहा स्टार। चलिए, तो मैं यहाँ पे ये स्टार इसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मैं 3 स्टार लगा सकता हूँ, 1 स्टार लगा सकता हूँ, 2 स्टार लगा सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरी रिक्वायरमेंट है या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने ब्लैक कलर का यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसका, उसी कलर में डार्क बैकग्राउंड है, वो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। आप चाहें तो अब इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक सीध में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो ये देखिए गुरु का जी और यू, इसमें प्रॉब्लम है। अगर ये यू थोड़ा सा नीचे आता है तो ये बिल्कुल सही लगेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसको भी आप सही कर सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही इजी सा वे है। आप यहाँ जाइए, जो आप ये देख रहे हैं ये एरो का निशान आता है, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इधर या इधर। ये देखिए कितना भी इधर करना है, आप इसको थोड़ा बहुत हिलाते हुए इसको सही कर सकते हैं, इक्वल गैप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इक्वल गैप हो गया। चलिए, तो ये एक ग्राफिक हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसके बीच में अगर कुछ और लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, कोई भी शेप हो सकती है, कोई लोगो की शेप हो सकती है, कोई भी ब्रांडिंग की शेप हो सकती है, कुछ भी हम लगाना चाहें तो वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जैसे कि ये अर्थ का सिंबल है ये लगा लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा लोगो जैसा कुछ दिखाई दे। दोस्तों लोगो कैसे बनाया जाता है, उसमें भी ये टेक्निक्स होती हैं। ये लोगो कैसे बनाया जाए मैं एक अलग वीडियो में अपलोड करूँगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें आप। और अगर उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि मैंने कब अपलोड कर दी है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पास में बेल का निशान जो आता है वहाँ पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, तो ये एक सर्कुलर मोशन में तो हो गया है। अब हम अलग अलग और भी किसी भी टाइप की शेप हो सकती है,
पाथ हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग हम इस टेक्स्ट को घुमाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये पाथ बनाया है अभी अभी, तो इसके ऊपर ऊपर टेक्स्ट को लहरा के चलना है, ऐसा बनाना है। तो ये हमने पाथ टूल इस पेन टूल से बनाया है, ये क्रिएट कर दिया पेन टूल से, और ये टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया है टी प्रेस करके, और ये देखिए इसके ऊपर ले जाते हुए भी आइकन इस तरह का चेंज होकर आ रहा है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, माफ़ कीजिए, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपने ये क्या सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये अलाइनमेंट जो है वो आपने सही से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अलाइनमेंट लेफ्ट की रखेंगे आप। अब यहाँ से आप क्लिक करके चलेंगे तो ये आगे चलेगा, ग्राफिक्स गुरु ये मैंने लिखा। आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका जो सेलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ से इसका डिफॉल्ट वाला गैप रख लेता हूँ, अल्फ़ाबेट्स के बीच में गैप इक्वल हो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ इतने को सेलेक्ट करके इसके अंदर गैप बढ़ा सकते हैं। चलिए ये तो ये चीज़ होगी। अभी एक मज़ेदार एक चीज़ और मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ही ए प्रेस करते हैं, यानी ये वाला टूल सेलेक्ट करते हैं, तो ये एडिटिंग आपके सामने आ जाती है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एडिटेबल नोड्स होते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप इस पाथ को किधर भी अगर आप घुमाते हैं तो टेक्स्ट आपका उसके साथ में ही जाएगा। दोस्तों ये ज़रूरत पड़ती है कि कई बार हमने कुछ बना तो दिया लेकिन हमें कुछ अलग टाइप का लहराते हुए बनाना था या किसी और शेप के ऊपर कुछ ऐसा करना था, तो हम यहाँ से अपनी मन चाही जैसी शेप चाहें, जैसा पाथ चाहें टेक्स्ट को दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेक्स्ट को घुमा फिरा सकते हैं। किसी भी तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हमें लगा कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था ये टेक्स्ट, तो अगेन यहाँ हम जाएंगे और ये पेन टूल जो ये जो पॉइंटर टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ए से ए प्रेस करने पर आता है। जैसे आप इस पर जाएंगे आपको एक साइड का एरो दिखाई देता है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा टेक्स्ट, ये देखिए। पर यहाँ से हो गया लेकिन आगे इसको जगह नहीं मिली, आगे नहीं मिली तो वो नेक्स्ट वर्ड था जो वो गायब हो गया। अब मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ अगेन, और इसका फॉन्ट साइज मैं इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि आगे पाथ छोटा रह गया है और टेक्स्ट हमारे पास ज़्यादा था, वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए ये आ गया। अब मैं सेम साइज करने के लिए इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कोई भी एक साइज़ दे के देखता हूँ। चलिए ये हो गया। अब मैं इसको जितना साइज़ रखना है वो बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरह से। चलिए तो ये हो गया। अब इसको अगर ऊपर नीचे करना है, इस लाइन के नीचे की साइड लेके आना था, तो वही है दोस्तों तरीका कि आप इसको इस तरह से ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, जैसा मैंने उसमें बताया था आपको सर्कल के अंदर, वही वे यहाँ पे है। तो ऊपर और नीचे इस तरह से हम इसको लेके आ सकते हैं। चलिए ये एक पेन टूल की तरह से बता दिया। अब इसी तरह से आप कोई भी शेप ले सकते हैं, आपकी फोटोशॉप की शेप्स के अंदर जाके आप कोई भी शेप लेते हैं, तो ये हर तरह की शेप के चारों तरफ चले जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे हार्ट लेता हूँ, ये शेप बनाई मैंने। अब मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, जैसे इसके ऊपर लेके गया अगेन इस तरह का एक आइकन आ गया है मेरे पास। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ग्राफिक्स गुरु यूट्यूब चैनल, ये मैंने एक बार में लिख लिया है यहाँ पे। चलिए तो इसका मैं फॉन्ट छोटा बड़ा करना या फिर गैप जो है शेप से कम ज़्यादा करना, वो इस तरह से किया जा सकता है। पर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स गुरु के बाद, तो जैसे कि ये जी अलग है, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे खिसका देता हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे सी और एस में भी प्रॉब्लम है, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा आगे कर सकता हूँ इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे शेप खुद ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ये देखिए, तो मैंने आगे खिसका दिया तो ये ग्राफिक्स एक साथ आ गया गुरु जो है। ये थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूँ मैं, नेचुरल लगे ताकि, तो ये इस तरह से ये इस पर फैल गया। जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा वो हो सकता है ये पूरा घूमते हुए आ जाए, अगर ज़्यादा टेक्स्ट है आपके पास तो, या फिर अभी इतने से टेक्स्ट को या आपने अगर पूरे में करना है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो इनके बीच का गैप बढ़ा दीजिए इस तरह से आप गैप बढ़ा के भी कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ यहाँ गैप बढ़ने के बाद इधर भी गैप बढ़ गया, तो इसको वापस करना पड़ेगा पीछे इस तरह से। तो आप या तो फॉन्ट साइज़ बढ़ा करके करें या गैप बढ़ा के करें, तो किसी भी एक शेप के चारों तरफ आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने एक सर्कुलर वे में घुमा के टेक्स्ट लिखना भी बता दिया है, और लहराते हुए टेक्स्ट कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया है पेन टूल की मदद से। और इसके अलावा आप कोई भी शेप लीजिए और टेक्स्ट टूल से आप क्लिक करके आप जो भी लिखेंगे वो उस शेप के चारों तरफ घूमने लग जाएगा। दोस्तों ये जो भी जितने भी आपने लिखे हैं ये इन सब का अपना अपना पाथ बन जाता है। हम इसको अगर टेक्स्ट को यहाँ से हटा देते हैं और ये हार्ट की शेप को हटा देते हैं और ये यहाँ रखते हैं अगर सिर्फ, तो जैसे टी प्रेस करते हैं एक लाइनिंग दिखाई देने लगी है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि आप इसका पाथ ये रह गया, हमने सिर्फ इसका सहारा लिया था लेकिन टेक्स्ट ने अपना पाथ खुद बना लिया है। अभी अगर हम कुछ भी चेंज करना चाहें तो अगर जैसे ही इस पाथ में हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो टेक्स्ट भी साथ में ही चेंज होगा, जैसा कि ऊपर इस लहराते हुए पाथ के अंदर हमने किया था पेन टूल से जो बनाया था उसमें। तो हम जो भी इस पाथ में करेंगे एडिटिंग उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट भी चेंज होगा। तो चलिए दोस्तों आप इस YouTube वीडियो कैसी लगी आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन रहता है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी चीज़ हो नहीं पा रही है, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट्स के ऑप्शन हैं वहाँ कमेंट कीजिए, आप मुझसे पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।